नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राचीन भारत पे, एंशियंट इंडिया पे लिखे गए जितने भी मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उनके बुक्स के बारे में। दोस्तों, आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो बुक है उसके राइटर्स के नाम क्या हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जितने मेजर बुक्स हैं दोस्तों उनके राइटर्स के नाम, जो कि दोस्तों हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और दोस्तों ये वीडियो आप सभी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपके जो आपके राइटर हैं दैट इज रमेश चंद्र दत्त। जी दोस्तों, रमेश चंद्र दत्त जिनकी बुक का नाम है दोस्तों सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया, पहली बुक। दूसरी दोस्तों इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दूसरी बुक। एंड तीसरी दोस्तों आपके सिविलाइजेशन इन ब्राह्मण पीरियड। तीन बुक्स दोस्तों इनकी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड आपका सिविलाइजेशन इन ब्राह्मण पीरियड, दैट इज रिटन बाय रमेश चंद्र दत्त। कई बार इनका जो नाम है वो शॉर्ट फॉर्म में भी आएगा, वहां पे नाम जो दोस्तों मेंशन मिलेगा वो मिलेगा आरसी दत्त, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रमेश चंद्र दत्त। अगले दोस्तों हैं आपके आर के मुखर्जी, जिनका पूरा नाम दोस्तों राधा कुमुद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों जो बुक लिखी दैट इज द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, हिंदू सिविलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इन एंशियंट इंडिया, मैन एंड थॉट इन एंशियंट इंडिया, द गुप्ता एम्पायर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग। ये दोस्तों जो बुक है वो आर के मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखी है, जबकि दोस्तों एच सी राय चौधरी की तरफ से जो बुक लिखी गई दैट इज द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, स्टडीज इन इंडियन एंटीक्विटीज। ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चन है जो आर्कियोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको ये तो ध्यान रखना चाहिए, द स्टडीज इन इंडियन एंटीक्विटीज, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बना हुआ है। इसके अलावा दत्त राय चौधरी और मजूमदार की बात करते हैं दोस्तों, तो ये किसने द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ये लिखा गया है एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यह इन्होंने लिखा है। इसका दोस्तों यदि हम बात करते हैं आरजी भंडारकर की, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की, दोस्तों इनको ऐसा माना जाता है कि आधुनिक स्वदेशी, प्रथम स्वदेशी इतिहासकार कहते हैं, और इन्होंने दोस्तों जो बुक लिखी दैट इज द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन दोस्तों ने लिखा। और दोस्तों इनको इन्होंने एक बुक लिखी अपीप करके, जिसका के जो टाइटल लास्ट में इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके इन्होंने एक बुक दोस्तों जो लिखी है, ठीक है। वहीं पे केपी जायसवाल की बात करते हैं, तो केपी जायसवाल ने दोस्तों आपका हिंदू पॉलिटी जो कि 1924 में लिखा गया, भारतीय राष्ट्रवादियों का बाइबल, ठीक है। इसके अलावा प्राचीन भारत के गणराज्यों व जो आपके पौर जनपदों जैसे जनसभाओं का उल्लेख जो है इनकी इस बुक में जो है देखने को मिलता है, जो प्राचीन भारत के गणराज्य समय जो बुक्स लिखी हैं। इसके अलावा के एम पणिकर की बात करते हैं दोस्तों, तो उन्होंने लिखा है द जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा दोस्तों लिखा है द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ किंगशिप इन इंडिया, ठीक है। इसका दोस्तों नीलकंठ शास्त्री काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बुक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पांडियन किंगडम्स, स्टडीज इन चोलाज हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया एंड नंदा मौर्य एज, ठीक है। वहीं पे दोस्तों आपके लिखा है आरसी मजुमदार ने द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ इन एंशियंट इंडिया, आउटलाइन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, और दोस्तों हिंदू कॉलोनीज इन द फॉर ईस्ट एंड आपका दोस्तों द एज ऑफ इंपीरियल कन्नौज, दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई है।
इसके अलावा दोस्तों डीडी कौशाम्बी जो कि आपके दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट आपके राइटर हैं, जिनको हम लोग दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी के नाम से जानते हैं, मार्क्सवर्सी मार्क्सवादी विचारधारा के आपके हिस्टोरियंस रहे हैं। इन्होंने दोस्तों जो आपके बुक लिखी है वो लिखा है द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, बड़े इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा दोस्तों लिखा है एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा मिथ एंड रियलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है मिथ एंड रियलिटी, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। हिस्ट्री एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ द आजीविकास, आजीवक संप्रदाय आपने पढ़ा होगा, उसी आजीवक संप्रदाय पर दोस्तों ये बुक लिखी गई है, हिस्ट्री एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ द आजीविकास। इसके अलावा दोस्तों आपने आर एस शर्मा का नाम पढ़ा होगा, आराम शरण शर्मा, काफी ये प्रसिद्ध आपके हिस्टोरियन रहे हैं। इनकी एक दोस्तों जो बुक है शूद्रास इन एंशियंट इंडिया, ये बहुत फेमस है, ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा इंडियन, ठीक है, फ्यूडलिज्म के ऊपर उसमें जो बुक लिखी गई है वो लिखा गया है अर्बन डिके इन इंडिया, मटेरियल कल्चर्स एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशियंट इंडिया, लाइट ऑन अर्ली इंडियन सोसाइटीज एंड इकोनॉमी एंड एविडेंट ऑफ द आर्यंस इन इंडिया। ये सभी आपके आर एस शर्मा की फ्यूडलिज्म के ऊपर, सामंतवाद के ऊपर लिखी गई सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है। इसके अलावा आपने रोमिला थापर का नाम सुना होगा, हिस्टोरियन, काफी विवादों में रहने वाली हिस्टोरियन है। इन्होंने जो बुक लिखी दैट इज अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज एंशियंट इंडियन सोशल हिस्ट्री, ठीक है, फ्रॉम लीनियस टू द स्टेट। इसके अलावा इंटरप्रिटेटिंग अर्ली इंडिया, इसके अलावा द मौर्याज रिविजिटेज, ठीक है, आर्य स्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइजेशन, और दोस्तों आपके सोमनाथ ने द मेनी वाइस हिस्ट्री लिखा है। पीवी काड़े काफी इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में आते हैं, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र को लेकर ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, जो कि कुल 5 वॉल्यूम में दोस्तों इसको लिखा गया है। यूएन घोषाल का नाम आप सभी ने सुना होगा, इन्होंने जो बुक लिखी है स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर अ हिस्ट्री लिखा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज, एग्रेग्रेनियन दोस्तों स्टडी जो आपकी 15 सिस्टम इन एंशियंट इंडिया करके बुक लिखी है। ए एल बाजम का नाम सुना होगा, कई बार आपकी एग्जाम में आता है, वॉन्डर दैट वॉज इंडिया, कई बार ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एस के मैती की दोस्तों बात करता हूं, तो उन्होंने लिखा है द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्ता पीरियड, जो आपके गुप्त पीरियड के अंदर जो आपका जो अर्थव्यवस्था कैसा था उसके बारे में जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ए एस अलतेकर दोस्तों आप सभी ने नाम लिख सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे आर्कियोलॉजी वाले हैं इनको तो पूरा रट जाएंगे। एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, क्वाइनेज ऑफ द गुप्ता एम्पायर, कई बार ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा द राष्ट्रकूटाज एंड देयर टाइम्स, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया 99 की तरफ से द हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स इन इंडिया एंड द सीलोन, ठीक है, विंसेंट स्मिथ की दोस्तों आपकी अन्य रचनाएं जो है वो हमें देखने को मिलती है। ईवी हैवेल की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें आपके द हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल इन इंडिया, ठीक है। राजेंद्र लाल आपके मित्र की बात करते हैं, तो उन्होंने लिखा इंडो आर्यंस, ठीक है। सिंधु सभ्यता समझता आपके लिखा है दोस्तों आपके के थपयाल ने, ठीक है। व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री लिखा है दोस्तों आपके गॉर्डन चाइल्ड ने। रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया दोस्तों लिखा है आपके डब्ल्यू फेयर सर्विस ने। द इंडियंस, ठीक है, वो लिखा है आपके द इंडियन सर्वोत्तम सिविलाइजेशन डॉक्टर एस पी गुप्ता ने। द वैदिक हरप्पन लिखा है भगवान सिंह ने, ठीक है। इसके अलावा द हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली लिखा है आपके के एन दीक्षित ने, ठीक है। द इंडस सिविलाइजेशन लिखा है एच जे मैके एंड आपके मार्टिमर व्हीलर ने। प्री हिस्टोरिक इंडिया लिखा है दोस्तों आपके स्टुअर्ट पिगट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों आपके सर जॉन मार्शल ने लिखा है। ए सर्वे ऑफ एंशियंट साइट्स इन अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर दैट इज लीड बाय ओरल इंस्टाइन ने लिखा है। द राजपुताना डिजर्ट लिखा है ए के घोष ने, अमलानंद घोष ने। ए एन आर्कियोलॉजिकल टूर अलोंग द घग्घर ये लिखा है आपके हाकरा रिवर के ऊपर ओरल इंस्टाइन ने। क्लाइमेट चेंज एंड इंडस सिविलाइजेशन दैट इज रिटन बाई वी एन मिश्रा, वीरेंद्रनाथ मिश्रा। द सरस्वती फ्लोज ऑन दैट इज रिटन बाय बी बी लाल। फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो जो कि 1937 में लिखा गया, एर्नेस्ट मैके
उसके अलावा द इंडस एज लिखा, द बिगिनिंग्स भी दोस्तों आपके जी एल पॉसिल ने लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है द इंडस एज एंड बिगिनिंग्स ऑफ आपके जी एल पॉसिल ने। इसके अलावा न्यू लाइट ऑफ द मोस्ट एंशियंट ईस्ट आपके आपके साइड गॉर्डन चाइल्ड ने लिखा है, जिसमें दोस्तों आपके मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा व चनहुदड़ो के उत्खनन दोस्तों उन्होंने चर्चा की है इस बुक में, ठीक है। इसके अलावा अ सर्वे ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, जो कि दोस्तों आपके ऑरेल इंस्टाइन ने लिखा है, द राजपुताना जिजर्स आपके अमलानंद घोष के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो आर्कियोलॉजी फ्रॉम द अर्थ मार्टिमर व्हीलर ने लिखा है, आर्कियोलॉजी मेथड्स एंड प्रैक्टिकल कॉलिन रेफ्रो एंड आपके पॉल वॉन ने लिखा है, पैलियो हिस्ट्री ऑफ इंडिया विदुला जायसवाल एंड स्टोन एज इन इंडिया लिखा है दोस्तों आपके एस ए साली ने, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ एंशियंट इंडिया उपेंद्र सिंह ने लिखा है, बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक एंड एंटीक्विटीज दैट इज बाई एच सी दास गुप्त ने लिखा है, द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी दैट इज बाय डी के चक्रवर्ती, जो बच्चे आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त बुक है डी के चक्रवर्ती की, आप सभी इसको जरूर पढ़ें। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के सी जैन ने लिखा है, जियो पोलिटिकल ऑर्बिट्स ऑफ एंशियंट इंडिया दैट इज बाई डी एच गॉर्डन ने लिखा है, ठीक है। द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया बी सुब्बा राव, आपसे मेरे नाम सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन इन एंशियंट इंडिया बी के ठाकुर, एंशियंट सिटीज ऑफ द इंडस जी एल पौशल, द कॉपर ब्रॉन्ज एज इन इंडिया डी पी अग्रवाल, इंडियन आर्कियोलॉजी टूडे एच डी संकालिया, धीरकमला संकालिया, ठीक है। द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया अमलानंद घोष ए घोष, ठीक है। हड़प्पन बिब्लियोग्राफी आर एच दांडेकर, आर एन दांडेकर ने किया है, आर्कियोलॉजी फ्रॉम एंशियंट इंडियन सिटीज डी के चक्रवर्ती ने, दिलीप चक्रवर्ती ने किया है, ठीक है। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ अ सिविलाइजेशन अलचिन और अलचिन मैंने मिलकर जो अलचिन दंपत्ति हैं उनके द्वारा ये लिखा गया, द आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया डी पी अग्रवाल ने लिखा है दोस्तों, वहीं पे मैन एंड एनवायरमेंट इन इंडिया थ्रू एजेस ये भी दोस्तों आपके डीपी अग्रवाल ने लिखा है, ठीक है। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान बहुत फेमस बुक है एच डी संकालिया की, इंडियन एपिग्राफी दोस्तों आपके लिखा है डीसी सरकार ने, ठीक है। एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर इन इन एंशियंट इंडिया एंड द नॉर्दर्न डेक्कन, ठीक है, दैट इज रिटन बाय किसके द्वारा, वाकाटक डायनेस्टी के ऊपर लिखा गया दोस्तों आपके ए एम के एम श्रीमाली के द्वारा, दी वाकाटक एज आपका लिखा है इसके ऊपर दोस्तों, जो बुक लिखी गई है वो हंस बैगकर के द्वारा लिखी गई है, स्टडीज इन हिंदू आइकोनोलॉजी बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टडीज रन दी आर्माइक स्टडीज ऑफ अशोक बी एन मुखर्जी ने, एंड सीएंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स भास्कर चट्टोपाध्याय, कैटलॉग ऑफ गुप्ता गोल्ड क्वाइंस इन द बयाना होड एएस अलतेकर, कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम जे एफ फ्लीट, सोशल एंड द रिलीजियस डेवलपमेंट इन द डक्कन रमेंद्रनाथ नंदी के द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड द कल्ट्स इन डक्कन दैट इज बाय रमेंद्रनाथ नंदी, ठीक है। परहैप्स द अर्लीएस्ट प्लाउड फील्ड सो फॉर एक्सकेवेटेड एनिवर्स इन द वर्ल्ड दैट इज बाय ब्रिजवासी लाल बी बी लाल के द्वारा लिखा गया, ठीक है। इसके अलावा इमेजिनिंग रिवर सरस्वती अ डिफेंस ऑफ द कॉमन सेंस दैट इज बाय इरफान हबीब, ये भी काफी प्रसिद्ध विद्वान हैं, ठीक है। रीजनल इंटरेक्शन इन द इंडस वैली अर्बनाइजेशन दैट इज बाय मॉर्शिया एफ एंट्रेस, ठीक है। इसके अलावा जन्मम पी द डोमेस्टिकेशन एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल्स इन द ग्रेटर इंडस वैली दैट इज बाय आर एच मीडो, ठीक है। साउथ इंडियन अंडर द चूलाज वाई सुब्बा राव, ट्रेड एंड ट्रेडर्स इन अर्ली इंडियन सोसाइटी रणबीर चक्रवर्ती के द्वारा दोस्तों लिखा गया है, ठीक है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया निकोलस स्टार्लिंग के द्वारा, किंग्स एंड कर्ल्स हरमन कुलके के द्वारा, ठीक है, जिसमें जगन्नाथ पंथ का जो लेख है वो मिलता है। एवरी डे लाइफ एवरी डे हिस्ट्रीज Beyond the Kings and the Brahmanas of Ancient India, that is written by Uma Chakravarti. Social Dimension of Early Buddhism, that is by also Uma Chakravarti. Political Structure of Early Medieval South India, that is by Keshavan Veluthod.
अशोक एंड हिज इंस्क्रिप्शंस वी एम बरुआ, काफी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, नाम याद रखिएगा। इंडियन पैलोग्राफी आर बी पांडे, अशोक आपका राधा कुमुद मुखर्जी, ठीक है। द एंटीक्विटीज ऑफ अशोका वी ए स्मिथ, सॉरी द एडिक्ट्स ऑफ, माफ कीजिएगा, द एडिक्ट्स ऑफ अशोका वी ए स्मिथ। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो आपके रणबीर चक्रवर्ती, ट्रेड एंड ट्रेडर्स इन अर्ली इंडियन सोसाइटी, एक्सप्लोरिंग अर्ली इंडियन अप टू द शिरका, ठीक है। वीडी चट्टोपाध्याय की आपकी बुक है द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडेवल इन इंडिया, ठीक है। बीसी दत्त की बुक है टाउन प्लानिंग इन एंशियंट इंडिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो सुचंद्रा घोष की आपकी जो बुक है वो है आपकी इकोनॉमी ऑफ शामतात इन द अर्ली मिडेवल पीरियड। इसके अलावा अ ब्रीफ ओवरव्यू आपके लिखा गया है आपके ए ब्रीफ ओवरव्यू, हाँ वो बुक आपके सुतंद्रा घोष ने लिखी है, इकोनॉमिक ऑफ सामंताज इन द अर्ली मिडेवल पीरियड अ ब्रीफ ओवरव्यू, दैट इज इट बाय सुचंद्रा घोष, ठीक है। के आर हॉल ने दोस्तों जो लिखा है वो आपके ट्रेड एंड स्टेट क्राफ्ट इन द एज ऑफ चोलाज, जो कि आपके दोस्तों आपके जेम्स हार्ड्समैन द सिटीज इन साउथ एशिया, ये लिखी है इन्होंने, ठीक है। इतनी जो आपके है ये द ट्रेड एंड स्टेट क्राफ्ट इन द एज ऑफ चोलाज, दैट इज रिटन बाय के आर हॉल, ठीक है। वहीं पे जो बुक लिखी है आपके जेम्स हार्ड्समैन ने वो लिखी द सिटी इन साउथ एशिया, ठीक है। डीएन झा ने दोस्तों जो लिखा है वो लिखा है डायमेंशंस ऑफ फ्यूडलिज्म इन अर्ली मिडेवल इंडिया, ठीक है। आपके एफ किलहॉर्न ने लिखा है द चाहमनाज ऑफ नडुला, ठीक, जो चौहान थे उनके बारे में। पुष्पा न्योग ने लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम द 10th टू द 12th सेंचुरी एडी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे दयाराम साहनी की। दोस्तों आप सभी ने दयाराम साहनी का नाम सुना होगा। दोस्तों ये जो दयाराम साहनी है इन्होंने जो बुक लिखी जिसका नाम है दोस्तों आहार स्टोन इंस्क्रिप्शन, आहार स्टोन इंस्क्रिप्शन एपिग्राफिया इंडिका। अब एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, दयाराम साहनी ये वही व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने 1921 में आपकी जो हड़प्पा नामक पुरास्थल है उसकी खोज की थी, और यहीं से दोस्तों भारत में एक सभ्यता की खोज हुई जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगले हैं आपके डीसी सरकार। डीसी सरकार के दोस्तों आप सभी ने मैक्सिमम नाम सुना होगा, काफी फेमस ये आपके स्कॉलर हैं या फिर कह लें विद्वान हैं, और इनकी दोस्तों जो बुक है जिसका नाम है द एम्परर एंड द सब ऑर्डिनेट रूलर्स, व्हाट इज द बुक नेम ऑफ द राइटर्स डीसी सरकार, दोस्तों बुक का नाम क्या है द एम्परर एंड द सब ऑर्डिनेट रूलर्स, ठीक है। इसके अलावा वी एन एस यादव की बुक्स की जो है दोस्तों उसका नाम है सोसाइटी एंड कल्चर इन नॉर्दर्न इंडिया, सोसाइटी एंड कल्चर इन नॉर्दर्न इंडिया। इसके अलावा दोस्तों इन द 12th सेंचुरी, इन द 12th सेंचुरी भी दोस्तों वी एन एस यादव की है। टी वॉटर्स की दोस्तों जो बुक है उसका नाम है ऑन युआंग च्वांग्स ट्रेवल्स, ऑन युआंग च्वांग्स ट्रेवल्स के नाम से दोस्तों जो बुक लिखी है वो लिखा है दोस्तों टी वॉटर्स ने। दोस्तों ये जो बुक है वो चाइनीज जो ट्रेवलर हैं, जो चीनी यात्री हैं, उनकी पुस्तक पर आधारित दोस्तों यह बुक लिखी गई है। इसके अलावा दोस्तों आर चंपक कल लक्ष्मी, दोस्तों आपके आर चंपक लक्ष्मी की दोस्तों जो बुक है उसका नाम है अर्बन प्रोसेस इन अर्ली मेडिवल तमिलनाडु, अर्बन प्रोसेस इन अर्ली मेडिवल तमिलनाडु दोस्तों जो बुक है वो लिखी गई आर चंपक लक्ष्मी के द्वारा। जबकि इंदु बांगा ने दोस्तों लिखी है द सिटी इन इंडियन हिस्ट्री, द सिटी इन इंडियन हिस्ट्री। वहीं पे दोस्तों आर चंपक लक्ष्मी ने एक और भी बुक लिखी है द ट्रेड आर्कियोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है, साउथ इंडिया 300 BC to 1300 AD, ठीक है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, ये लिखी गई आर चंपक लक्ष्मी के दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई। वहीं पे दोस्तों योगेश शर्मा और पायस मालिक डांगथिल, ये किसने लिखा है दोस्तों बुक, क्या लिखा है इन्होंने, अर्बनाइजेशन इन मेडिवल इंडिया, अर्बनाइजेशन इन मेडिवल इंडिया। इसके अलावा दोस्तों जेम्स के द्वारा लिखा गया हाइड जेम्स गिफ्ट्स ऑफ पावर लॉर्डशिप इन एन
अर्ली इंडियन स्टेट। देवला मित्र काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने लिखा है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। के थापलियाल स्टडीज इन सिल्स इन एंशियंट इंडिया, ये भी बुक आपकी एग्जाम में रिपीट की जाती है, ठीक है। सी मार्ग बंधु ने दोस्तों आर्कियोलॉजी ऑफ द शातवाहन छत्रप टाइम्स, आर्कियोलॉजी ऑफ द शातवाहन छत्रप टाइम्स दोस्तों बुक लिखी है, जबकि सीजे ब्राउन ने लिखा है द क्वांस ऑफ इंडिया। कई बार ये पॉइंट रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, द क्वांस ऑफ इंडिया दैट रिटन बाय सी जे ब्राउन। सर टी देशी काचारी के दोस्तों क्या बुक लिखी गई, यह लिखा गया साउथ इंडिया क्वांस, साउथ इंडिया क्वांस। के एन शास्त्री इन्होंने लिखा है दोस्तों फॉरेन नोटिसेज ऑफ साउथ इंडिया। अगला है दोस्तों आपके एच एस तमन्ना, इन्होंने लिखा है दोस्तों हिस्टोरिकल मेथड्स इन रिलेशन टू इंडियन हिस्ट्री। वी ए स्मिथ की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। डी एन वाडिया, जिनको हम सोहन घाटी है इस पे उन्होंने न सबसे पहली बार 1928 के आसपास काम किया था, यही कारण है कि इनको सोहन घाटी का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने जियोलॉजी ऑफ इंडिया लिखा, इन्होंने क्या किया है जियोलॉजी ऑफ इंडिया नामक बुक लिखी है, जबकि ए अयप्पन ने दोस्तों जो बुक लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद करके जाइएगा, मेगालिथिक आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम शावायपुरम इन तिन्नलवेल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। जबकि जेसी ब्राउन, इन्होंने कैटलॉग ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर इन द इंडियन म्यूजियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैटलॉग ऑफ द प्री हिस्टोरिक एंटीक्विटीज इन द इंडियन म्यूजियम, किसको लिखा गया है जेसी ब्राउन के द्वारा दोस्तों यह लिखा गया है। अगला है दोस्तों एल ए कमियाडे, आपने नाम सुना होगा यदि आपने पढ़ा होगा तो एल ए कमियाडे ने स्टोन टूल्स पे बड़ा जबरदस्त काम किया है, ठीक है। इंडियन स्टोन टूल्स जो है इनके क्लासिफिकेशन और इनके संबंधित चीजों पे इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। तो एल ए कमियाडे और एम जी बुरकित के द्वारा जो है दोस्तों फ्रेश लाइट ऑन द स्टोन एजेस इन साउथ ईस्ट इंडिया, इन्होंने क्या बुक लिखा है द फ्रेश लाइट ऑन द स्टोन एजेस इन साउथ ईस्ट इंडिया, ठीक है। अगले हैं एस एन चक्रवर्ती ने दोस्तों कौन सी बुक लिखी है, तो एस एन चक्रवर्ती ने लिखा है द प्रीहिस्टोरिक पीरियड्स इन इंडिया, द प्रीहिस्टोरिक पीरियड्स इन इंडिया। जबकि एस एन चक्रवर्ती की ही एक और बुक है जिसको हम एन आउटलाइन ऑफ द स्टोन एज इन इंडिया, एन आउटलाइन ऑफ द स्टोन एज इन इंडिया। जबकि वी गॉर्डन चाइल्ड मेगालिथ्स के नाम से बुक लिखा है, वी ए गुहा, इन्होंने रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन करके बुक लिखा है। वी डी कृष्ण स्वामी ने दोस्तों जो बुक लिखा है मेगालिथिक टाइम्स ऑफ द साउथ इंडिया, मेगालिथिक टाइम्स ऑफ द साउथ इंडिया। बीबी लाल दोस्तों, ब्रिजवासी लाल काफी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने प्री हिस्टोरिक इन्वेस्टिगेशंस लिखा है, प्री हिस्टोरिक इन्वेस्टिगेशन इन्होंने लिखा है। जबकि एच एल मूवियस या जूनिया, ठीक है, इन्होंने अर्ली मैन एंड प्लेस्टोसीन स्ट्रेटिग्राफी इन सदर्न एंड ईस्टर्न एशिया करके इन्होंने बुक लिखा है, और ये प्लेस्टोसीन एज पे संबंधित एक इंपॉर्टेंट बुक है। अगले राइटर हैं दोस्तों आपके एम शेषाद्री ने दोस्तों माइक्रोलिथिक इंडस्ट्रीज ऑफ मैसूर लिखा है, इसके नाम दोस्तों इन्होंने न्यू लाइट ऑफ मेगालिथिक डेटिंग इन इंडिया करके इन्होंने बुक लिखा है मेगालिथिक पीरियड के ऊपर। अगले दोस्तों एम एस शास्त्री नहीं, प्री हिस्टोरिकल एंड प्रोटो हिस्टोरिकल दोस्तों इन्होंने लिखा है, इसके अलावा प्रोटो हिस्टोरिक मैसूर के ऊपर लिखा है, इसके अलावा दोस्तों आपके के आर श्रीनिवासन और आपके एन आर बेनर्जी ने दोस्तों बुक लिखा है सर्वे ऑफ साउथ इंडियन मेगालिथ्स करके दोस्तों इन्होंने जो बुक है वह इनके द्वारा लिखी गई है। अगली दोस्तों जो आपके राइटर है वो है एफ ई जाइनर के दोस्तों आप सभी ने नाम सुना होगा, यदि आप सभी ने कभी भी यदि ग्लेशिएशन यदि आपने पढ़ा होगा,
ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमायन कहते हैं। आप सभी ने विश्व में यूरोप के क्षेत्र में चार हिमकालों को पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा तो याद आ रहा होगा, जिन्हें हम गुंज कहते हैं, मिंडल कहते हैं, रिस कहते हैं और वुर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लासिफिकेशन ए पंक एंड ब्रुंकनर ने दिया था, लेकिन इसी आइस एज का जो ग्लेशिएशन वाला जो पीरियड है, ग्लेशिएशन और इंटरग्लेशिएशन का, उसका जो शब्दावली है, वो जो टर्मिनोलॉजी है, उसमें एफिजाइनर का बहुत ही महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है। ऐसे में एफिजाइनर की दोस्तों जो बुक है वो है द माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री ऑफ द लंघनाज गुजरात। क्या है बुक का नाम? द माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री ऑफ द लंघनाज गुजरात। लंघनाज एक सैंड ड्यून साइट है, गुजरात की एक बड़ी महत्वपूर्ण पुरा स्थल है, जहां से 41 मानव कंकालों के जो प्रमाण है वो प्राप्त हुए थे। अगला है डी आर भंडारकर। दोस्तों इस बुक का नाम है लेक्चरर्स ऑन द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 650 to 325 BC। ठीक है, अगले आपके आरजी भंडारकर, वो कौन है दोस्तों? इन्होंने बुक कौन सी लिखी? द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन लिखा है। ठीक है, इसके अलावा पीटी श्रीनिवासन अयंगर ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ द तमिल्स, हिस्ट्री ऑफ द तमिल्स। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डब्ल्यू एच शॉप के द्वारा जो संपादित बुक है उसका नाम क्या है? द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। हालांकि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी जो बुक है, इसके जो लेखक हैं वह कौन माने जाते हैं? अज्ञात लेखक हैं। ठीक है, यह कौन है? अज्ञात लेखक हैं। ठीक है, के गोपालचारी, इन्होंने बुक कौन सी लिखी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ द आंध्र कंट्री, अर्ली हिस्ट्री ऑफ द आंध्र कंट्री। ठीक है, जबकि इसके अलावा जी जोव्यू डुब्रियल ने कौन सी बुक लिखी है? एंशियंट हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन बुक लिखी है। जबकि दोस्तों के एन शास्त्री ने कौन सी बुक लिखी है? उन्होंने लिखी है दोस्तों द न्यू हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पीपल, न्यू हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पीपल। जबकि दोस्तों डीसी सरकार ने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द सक्सेसर्स ऑफ द सातवाहन, द सक्सेसर्स ऑफ द सातवाहन, सातवाहन काल के जो उत्तराधिकारी हैं उनसे संबंधित इन्होंने काफी महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है। इसके अलावा डीसी सरकार की एक और बुक है जो कि मैंने यहां पर वही चीज से वहां पर दोबारा लिखा गया। ठीक है, इसके अलावा के गोपालाचारी, इन्होंने दोस्तों जो बुक लिखी है वो है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द आंध्र कंट्री, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द आंध्र कंट्री करके दोस्तों जो ये बुक है इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसके अलावा बी एल राइस, इन्होंने मैसूर एंड कुर्ग फ्रॉम इंस्क्रिप्शन ये लिखा है। के एन शास्त्री ने फॉरेन नोटिसेस ऑफ साउथ इंडिया लिखा है। ए एन शास्त्री ने द चुलाज लिखा है। आर ई एम विलर, जिसको हम लोग मार्टिमर विलर कहते हैं, इसका नाम था अमलानंद घोष और कृष्णदेव, इन तीनों ने मिलकर दोस्तों जो अरिका मेडू क्षेत्र है उस पर बुक लिखी है अरिका मेडू एंड इंडो रोमन ट्रेनिंग स्टेशन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अरिका मेडू जो कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है जहां से हमें इंडो रोम ट्रेड के, इंडो रोमन ट्रेड के एविडेंसेस मिलते हैं। यहां से कई प्रकार के जो रोमन पॉटरीज हैं, रोमन टाइप ऑफ क्वाइंसेस हैं, वो हमें यहां से देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, ए एस अल्टेकर की दोस्तों जो बुक है वो है द राष्ट्रकूटाज एंड डियर टाइम्स, इंपॉर्टेंट बुक है। आर गोपालंस की जो बुक है दोस्तों वो है आपके पल्लवाज ऑफ कांची, पल्लवाज ऑफ कांची। अगला है दोस्तों जी जो विपू डुब्रियल, इन्होंने द पल्लवाज ऑफ कांची, ठीक है द पल्लवाज लिखा है, माफ कीजिएगा। सी मीनाक्षी ने दोस्तों जो बुक लिखा है वो लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल लाइफ अंडर द पल्लवाज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सोशल लाइफ अंडर द पल्लवाज। के एन शास्त्री ने पांड किंगडम लिखा है। जे डी एम डेरेट ने द होलसेल्स लिखा है। जे एफ फ्लीट ने डायनेस्टीज ऑफ द कैनरीज डिस्ट्रिक्ट लिखा है। एफ अहर्ष और डब्ल्यू रॉक हिल ने चाउजुकुआ के ऊपर बुक लिखी है। एच सी राय ने डायनेस्टी हिस्ट्री ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया करके बुक लिखी है। आरजी भंडारकर ने वैष्णविज्म, शैविज्म एंड माइनर रिलीजियस सिस्टम के ऊपर बुक लिखी है। ताराचंद ने इन्फ्लुएंस ऑफ द इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर बुक लिखी है। सर चार्ल्स इलियट ने हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म बुक लिखी है। जी एन फॉकहर ने एन आउटलाइन ऑफ रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया बुक लिखी है। ठीक है, मिक्रिल्ड के द्वारा दोस्तों इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन
क्लासिकल लिटरेचर बुक लिखी है, जबकि बशाक ने दोस्तों हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो बुक है दोस्तों बशाक के द्वारा लिखी गई। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो अगले जो राइटर हैं वो है दोस्तों अलतेकर और मजुमदार, इन्होंने मिलकर दोस्तों वाकाटक गुप्तेज लिखा है। ठीक है, श्रीनिवास ने भोजराज लिखा है, अलतेकर एस अलतेकर ने दोस्तों रास्कुटाज एंड देयर टाइम्स लिखा है, गौरी शंकर ओझा ठीक है इन्होंने दोस्तों बुक आपके राजपूताना का इतिहास लिखा है, कल्हण ने राज तरंगिणी ठीक है, इसके अलावा ए एम एच स्टाइन ने दोस्तों इसका अनुवाद किया है इंग्लिश में। ठीक है, डी सी गांगुली ने दोस्तों इसको हिस्ट्री ऑफ द परमार डायनेस्टी बुक लिखी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री ऑफ असम दोस्तों गेट ई एरवर्ल्ड के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, गौरी शंकर चटर्जी के द्वारा दोस्तों आपके हर्षवर्धन नामक जो बुक है दोस्तों वो लिखी गई। ठीक है, सुधाकर चट्टोपाध्याय के दोस्तों जो बुक है वो लिखी गई, हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 200 बीसी टू 600 एडी। ठीक है, केपी जायसवाल ने दोस्तों जो बुक लिखी उसका नाम है एंड एम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, टॉड जेम्स ने एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, डी देवाहूति ने हर्ष ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, हर्ष ए पॉलिटिकल हिस्ट्री। इसके अलावा बीडी ने कौन सा बुक लिखी, बीडी डिस्कल्चर ने, इन्होंने लिखा इंस्क्रिप्शंस ऑफ गुजरात। ठीक है, रोमान योगी ने दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द गढ़वाल डायनेस्टीज। ठीक है, पंडिकर ने दोस्तों बुक लिखी है द हर्ष ऑफ कन्नौज, और दोस्तों ए बी पांडे ने लिखा है अर्ली मेडिवल इंडिया। क्या लिखा है, अर्ली मेडिवल इंडिया करके जो बुक है दोस्तों यह इनके द्वारा लिखी गई। जबकि दोस्तों यदि हम एस ही पाठक की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने लिखा है एंशियंट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इन्हीं के द्वारा दोस्तों हिस्ट्री ऑफ कौशल अप टू द राइज ऑफ द मौर्याज, हिस्ट्री ऑफ द कौशल अप टू द राइज ऑफ मौर्याज भी बुक लिखी गई। जबकि दोस्तों बी एन पुरी ने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहाराज, द हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहाराज इज रिटन बाय बी एन पुरी। यदि हम बात करते दोस्तों के एल बरुआ की तो के एल बरुआ ने दोस्तों लिखा है अर्ली हिस्ट्री ऑफ कामरूप, कामरूप का प्रारंभिक इतिहास। आरजी बशाक की यदि हम बात करते हैं दोस्तों इन्होंने हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रॉम 320 टू 750 एडी, और ये किसने लिखा है दोस्तों, ये लिखा है आपके आरजी बशाक ने। वहीं पे दोस्तों यदि हम आरडी बनर्जी की बात करते हैं, राखाल दास बनर्जी की बात करते हैं, तीनों लिखा है दोस्तों द हाइएज ऑफ त्रिपुरी एंड दियर मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ओडिशा, ये दोनों चीजें जो है दोस्तों आपके इनके द्वारा लिखी गई। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करते हैं पृथ्वीनाथ कौल बमजाई का दोस्तों, तो उन्होंने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द प्रेजेंट डे के नाम से दोस्तों इन्होंने बुक लिखी है। जबकि यदि हम बात करते हैं एन एस बोस की, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ द चंदीलाज लिखा है। बुद्ध प्रकाश ने एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन के नाम से बुक लिखी है दोस्तों। भाटिया प्रतिपाल ने दोस्तों परमाराज के नाम से बुक लिखी है। महाताब हरे कृष्ण ने दोस्तों हिस्ट्री ऑफ ओडिशा के नाम से बुक लिखी है। एन के ए के मजुमदार ने दोस्तों चालुक्य ऑफ गुजरात के नाम से बुक लिखी है। एनजी मजुमदार ने दोस्तों इंस्क्रिप्शंस ऑफ बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मजुमदार और पुशालकर ने द स्ट्रगल फॉर एम्पायर के नाम से बुक लिखी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आरसी मजुमदार की बात करते हैं, इन्होंने गुर्जर प्रतिहाराज आउटलाइंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द भज किंग ऑफ ओडिशा के नाम से बुक लिखी है। ठीक है, वी मिश्र की बात करते हैं, इन्होंने लिखा है दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द गुर्जर प्रतिहाराज। ठीक है, विनायक मिश्र की बात करते हैं, इन्होंने ओडिशा अंडर द भौम किंग्स के नाम से बुक लिखी है। ठीक है, मित्र शशीर कुमार की यदि हम बात करते हैं, इन्होंने द अर्ली रूलर्स ऑफ खजुराहो के नाम से दोस्तों इन्होंने बुक लिखा है। ठीक है, मिराशी की यदि हम बात करते हैं, इन्होंने कलचूरी नरेश और उनका काल के नाम से बुक लिखी है। इसके अलावा स्टडीज इन इंडोलॉजी करके भी बुक लिखी है। आर के मुखर्जी की यदि हम बात करते हैं, इन्होंने हर्ष के नाम से बुक लिखा है। मुंशी के एम मुंशी की बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने द ग्लोरी दैट वॉज गुर्जर रेस
के नाम से दोस्तों बुक लिखा है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करते हैं जी याजदानी की, दोस्तों इन्होंने द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, रिपीट किया जाता है, जो बच्चे भी आपकी यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान रखेगा। एस सी राव की यदि हम बात करते हैं, इन्होंने दोस्तों अर्ली हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ कश्मीर, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। एच सी राय ने दोस्तों बुक लिखी है डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। विश्वेश्वर रेव की यदि हम बात करते हैं, राजा भोज के नाम से बुक लिखा है। सीबी वैद्य ने दोस्तों हिस्ट्री ऑफ मेडिवल हिंदू इंडिया के नाम से बुक लिखी है, द वॉटर्स, ठीक है। इन्होंने आन खान चांग्स ट्रेवल इन इंडिया, ठीक है। दशरथ शर्मा ने राजस्थान थ्रू द एजेस, अर्ली चौहान डायनेस्टीज करके बुक लिखी है, ठीक है। सत्याश्रय आरश ने, आरश सत्याश्रय ने दोस्तों ओरिजिन ऑफ द चालुक्यास के नाम से दोस्तों इन्होंने बुक लिखा है। वहीं पे दोस्तों यदि हम बात करते हैं वीपी सिन्हा की, तो वीपी सिन्हा ने दोस्तों द डिक्लाइन ऑफ द किंगडम ऑफ मगध, द डिक्लाइन ऑफ द किंगडम ऑफ मगध करके दोस्तों जो बुक है ये भी इनके द्वारा लिखी गई। आरबी सिंह की यदि हम बात करते हैं, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ द महामनाज के नाम से बुक लिखी है, हादी वाला एच सर, ठीक है, एस एच हादी वाला की यदि हम बात करते हैं, इन्होंने स्टडीज इन इंडो मुस्लिम हिस्ट्री के नाम से बुक लिखी है। आर एस त्रिपाठी ने दोस्तों हिंदू ऑफ कन्नौज टू द मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट के नाम से भी दोस्तों जो बुक है वह इनके द्वारा लिखा गया था। अब कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनको ध्यान से समझ के लिखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कभी कभी इनसे आते हैं। जैसे में 1867 में जेम्स फर्ग्यूसन के द्वारा लिखी गई बुक जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर के नाम से बुक लिखा गया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद ईबी हॉवेल ने दोस्तों लिखा है एंशियंट एंड मेडिवल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, एंशियंट एंड मेडिवल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ईबी हॉवेल ने ही दोस्तों इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स के नाम से भी बुक लिखा है, इन्हीं ईबी हॉवेल की दोस्तों बुक है अ हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है। पर्सी ब्राउन की मच फेमस बुक, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट की जाने वाली बुक, दैट नेम्ड इंडियन आर्किटेक्चर बुद्धिस्ट एंड हिंदू के ऊपर, ठीक है। आपके जोना विलियम्स की यदि हम बात करते हैं, ही राइट डाउन द बुक नेम द आर्ट एंड गुप्ता इंडिया, ठीक है। आर्ट, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया दैट इज रिटन बाय रोलैंड बेंजामिन, जबकि दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशियन आर्ट दैट इज रिटन बाय आनंद कुमार स्वामी, ठीक है। यदि हम हिंदू टेम्पल्स की बात करते हैं, दैट इज रिटन बाय स्टेला क्रेमरिस, इंपॉर्टेंट फेमस बुक है, स्टेला क्रेमरिस का नाम आप सभी ने सुना भी होगा। स्टडीज इन इंडियन आर्ट दैट इज रिटन बाय वीएस अग्रवाल, इंडियन आर्ट आल्सो रिटन बाय वीएस अग्रवाल, द आर्ट ऑफ इंडियन एशियन, इंडियन एशिया हेनरिक जीमर, टाउन प्लानिंग इन एंशियंट इंडिया वेंकटारामा अय्यर, ये भी आपके एग्जाम में आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। केव टेंपल ऑफ इंडिया, केव टेंपल ऑफ इंडिया रिटन बाय जेम्स बर्जेस, किसने लिखा है, जेम्स बर्जेस, आप सभी ने जेम्स बर्जेस का नाम सुना होगा। जब हमने आपको क्या पढ़ाया था, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जब हम आपसे डिस्कस कर रहे थे तो कनिंघम के साथ साथ इनका भी उल्लेख मैंने लिया था, जब जेम्स बर्जेस आए थे किस प्रकार उन्होंने काम किया था इंडियन आर्कियोलॉजी के लिए, उन्हीं ने केव टेंपल्स इन इंडिया करके बुक लिखी है। इसके अलावा द भिलसा टोप्स बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया दैट इज रिटन बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एंड ही इज द फर्स्टली अपॉइंटेड द पर्सन एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1871। द पॉइंट इज दैट द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच इज एस्टेब्लिश्ड इन 1861 द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल वॉज अपॉइंटेड एज हुम, अलेक्जेंडर कनिंघम। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम टू द आर्कियोलॉजी इज एडवेंचरस मार्वलस, सो दैट्स वाई अलेक्जेंडर कनिंघम इज नोन टू बी द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। खैर हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम की ही, अलेक्जेंडर कनिंघम ने द स्तूप ऑफ भरहुत की भी जो बुक है ये इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। इसके अलावा द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची दैट इज रिटन बाई सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल इज ऑल्सो डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई एंड ड्यूरिंग दैट टाइम
न्यू सिविलाइजेशन दैट इज डिस्कवर्ड अंडर हिम दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ दयाराम सहनी एंड राखल दास बनर्जी इन 1921 टू 1922 विद द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। ये जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की हम बात करते हैं जो कि 1921 में 1922 में दयाराम सहनी और राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया, उस समय डायरेक्टर जनरल कौन थे? सर जॉन मार्शल ही थे। और इन्हीं काल में सबसे पहली बार भारत की जो आपके सबसे प्राचीन सभ्यता है जिसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं, इन्होंने ही खोज के निकाला था। ठीक है, इन्हीं को श्रेय दिया जाता है। हालांकि इसमें बहुत सारी कहानी है, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, मैं उस पार्ट पर आता हूं तो मैं बताऊंगा कभी कि किस प्रकार से हड़प्पा के बारे में जानकारी शायद 1853 में ही पता चल गई होती जब अलेक्जेंडर कनिंगम को वहां से बुल फिगरिंस वाला जो सील है, जो मुहर है, वृषभ अंकित जो मुहर है, वो 1853 में ही उनको हड़प्पा के टीले से मिला था। बट द सैड पॉइंट इज दैट कि वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, उसको पहचान नहीं पाए, उनको लगा कि कोई नए काल की मुहर है, इसी वजह से उसको जो चीजें हैं वो बाद में आके मिलते हैं। खैर, इसके अलावा देवेंद्र हांडरा की जो बुक है दैट इज इंडोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं अर्ली इंडियन स्कल्पचर दैट इज रिटन बाय लुडविक बकोपर, ठीक है, एंड ड्रविडियन आर्किटेक्चर दैट इज रिटन बाय जे डुब्रिल, ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्किटेक्चर दैट इज रिटन बाय चार्ल्स फेवरी, इंडियन स्कल्पचर दैट इज रिटन बाय स्टेला क्रेमरिस, द आर्ट ऑफ इंडिया दैट इज ऑल्सो रिटन बाय स्टेला क्रेमरिस। ठीक है, इसके अलावा बी एम बरुआ, बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये हैं भाई साहब, बी एम बरुआ। बी एम बरुआ की जो बुक है दोस्तों उसका नाम है अशोक एंड हिज इंस्क्रिप्शन। एस सी मलिक, डिसेंट्स प्रोसेस्ट प्रोटेस्ट एंड रिफॉर्म्स इन इंडियन सिविलाइजेशन। जॉन एस स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, द लीजेंड ऑफ किंग अशोका और स्टडी एंड ट्रांसलेशन ऑफ द अशोकावदान। अशोकावदान बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसका ये बात कर रहे हैं। ठीक है, पैट्रिक ओलिव की बात करते हैं, ठीक है, जेनिस लवांशको एंड हिमांशु की यदि हम बात करें प्रभाव रेर की, तो इन्होंने लिखा है रिमेनिंग अशोका, ठीक है, रीइमेजिंग, माफ कीजिएगा, रीइमेजिनिंग अशोका मेमोरी एंड हिस्ट्री के नाम से। एफ आर अल्चिन और के आर नॉर्मन की यदि हम बात करें तो इन्होंने लिखा है गाइड टू द अक्षन इंस्क्रिप्शन, अशोकन इंस्क्रिप्शन, माफ कीजिएगा, अशोकन इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो है इन्होंने क्या लिखा है, बुक लिखी है। ठीक है, किसने? एफ आर अल्चिन और के आर नॉर्मन ने। ऑलिव लेवास्को एंड रे की यदि हम बात करें, इन्होंने वही चीज वापस यहां पर रिपीट हुई है, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगली जो बुक है वो है आंद्रे विंक की, सवर्निटी एंड यूनिवर्सल डोमिनियन इन साउथ इंडिया करके बुक लिखा है, रिचर्ड सोलोमन ने बुक लिखा है एंशियंट इंडिया, ठीक है, पीस विद इन एंड वॉर विदाउट, ठीक है, दौड अली ने लिखा है कोर्टली एंड पॉलिटिकल लाइफ इन अर्ली मेडिवल इंडिया, ठीक है, जबकि जॉन ए एम हॉबन एंड कार्ल आर वन कॉजी ने लिखा है वायलेंस डिनाइड, वायलेंस नॉन वायलेंस एंड द रेशनलाइजेशन ऑफ वायलेंस इन साउथ एशियन कल्चरल हिस्ट्री, थोड़ा बड़ा बुक का नाम है। ठीक है, भास्कर आनंद ने लिखा है दोस्तों एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स एंड इंस्टीट्यूशन, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। माइकल विलिस की बात करते हैं, ठीक है, विलियम्स की बात करते हैं, इन्होंने द आर्कियोलॉजी ऑफ हिंदू रिचुअल्स टेम्पल्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गॉड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, पूछा जा सकता है। आर थॉमस एंड ट्रॉटमैन की बात करते हैं, तो इन्होंने दोस्तों आपके कौटिल्य एंड द अर्थशास्त्र और स्ट्रेटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑथरशिप एंड द इवोल्यूशन ऑफ द टेक्स्ट करके नाम जो बुक है दोस्तों ये इनके द्वारा लिखी गई। यूएन घोषाल की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज द एंशियंट पीरियड एंड द पीरियड ऑफ टैक्स ट्रांजिशन टू द मिडिल एजेस, ठीक है, यदि हम बात करें अगले बुक का एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स एंड 4029 इंस्टीट्यूशन केवीआर अयंगर की बात करते हैं, सम एस्पेक्ट्स ऑफ द एज ऑफ एंशियंट इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इसके अलावा विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद वर्मा की बात करते हैं बुक, तो उसने इन्होंने लिखा है स्टडीज इन हिंदू पॉलिटिकल थॉट्स एंड इट्स मेटाफिजिकल फाउंडेशन। डोमिनिक ने लिखा है दोस्तों आपके द रूट्स ऑफ आयुर्वेदा सिलेक्शन फ्रॉम संस्कृत मेडिकल राइटिंग्स,
ठीक है, शेल्डन पोलैक ने दोस्तों लिखा है लिटरेरी कल्चर्स इन हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम द साउथ एशिया। ठीक है, आपके जेल ने लिखा है, ब्रॉक किंगसन ने आपने लिखा है द राइटियस रैम्ड। ठीक है, इन्होंने द इवोल्यूशन ऑफ एन एपिक के नाम पे दोस्तों जो बुक है इनके द्वारा लिखा गया, रोमिला थापर और शकुंतला के द्वारा दोस्तों लिखा गया टेक्स्ट रीडिंग्स हिस्टोरीज एंगल्स। ठीक है, कालिदास एंड द एटीट्यूड्स ऑफ द गोल्डन एज। ठीक है, कुमकुम राय ने द पावर ऑफ जेंडर एंड द जेंडर ऑफ पावर। ठीक है, टिलमैन फ्रैक्स ने लिखा है और रिमार्क ऑन द, एक मिनट ये कंप्लीट नहीं लिखा इन्होंने, माफ कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक मिनट, हाँ ये पूरा है, तिलमान फ्रैक्स ने लिखा है और रिमार्क ऑन द महाबोधि टेम्पल्स एट पागन। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा सुशान एल हंटिंगटन ने लिखा है द पाल सेना स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर। ठीक है, ग्रिशवॉर्ड ने लिखा है द होली लैंड एंड ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, इसके अलावा राजेंद्र ला मित्रा ने बुद्ध गया द ग्रेट बुद्धिस्ट टेम्पल लिखा है। वीएम बरुआ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ द होली लैंड, ठीक है, इसकी बुक लिखी है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे और भी हैं, जैसे आपके केस स्टडीज इन आर्कियोलॉजी एंड रिलीजन करके बुक लिखा है। ठीक है, ट्रेट्रिविक ने आपने लिखा है द रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म इन पिलग्रिमेज एंड बोध गया। ठीक है, गोल्डन एच लूस ने लिखा है ओल्ड बर्मा अर्ली। ठीक है, इस सभी करके बुक लिखी गई है। तो उपेंद्र सिंह की आप किंग्स ब्राह्मिन्स, ठीक है, एंड टेम्पल्स इन ओरिसा। ठीक है, एंड एपिग्राफिक स्टडी। ठीक है, एंशियंट दिल्ली द डिस्कवरी ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, इसके अलावा सिलर की हम बात करते हैं द वर्ल्ड ऑफ द बुद्ध फुटप्रिंट। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड मिडेवल अर्ली मिडेवल इंडिया, तो आपकी बुक है, आप सभी पढ़ते भी होंगे, फेमस बुक है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया ही सभी बुक्स के नाम। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है कि लिखी गई, जो कि आपके एंशियंट टाइम में टू मॉडर्न टाइम तक जो कि हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के ऊपर लिखी गई, मैंने इन चीजों को आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री संबंधित कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।